नमस्कार साथियों, आज एक ऐसी न्यूज में आपको बताने जा रहा हूं कि यूरोप कंट्री या फिर किसी भी देश में, गल्फ देशों की अलग बात होती है, गल्फ देशों को छोड़ के दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, जी हां, मलेशिया भी एक ठीक है इसी एरिया में आ जाता है, बाकी आप रशिया वगैरह, कनाडा, सिंगापुर, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग अप्लाई करते हैं। अच्छा पैसा कमाने के चक्कर में लोग जाते भी हैं। रशिया का भी एक ट्रेंड है, खासतौर से इंडिया और रशिया का जो फ्रेंडशिप है वो भी एक अच्छी है, तो लोगों के माइंड में होती है रशिया चला जाए। जी हाँ, लाइव आपको पढ़ना होगा खुद को, मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ये हमारे राजस्थान का मैटर है जी, उदयपुर जोधपुर का मैटर है। जो 6 महीने से एक बंदा गया था कमाने के लिए रशिया में, वो वहाँ पे उनकी डेथ हो गई किसी कारणों की वजह से, उसकी आज तक बॉडी नहीं मिल पा रही है। और इसकी जो औरत है, जो महिला है, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, एडी चोटी का जोर लगा लिया, उसके बावजूद उसकी बॉडी नहीं आ रही है। राष्ट्रपति से ये मिल लिया, प्रधानमंत्री को इन्होंने मेल कर दी, पुतिन साहब आए थे 10-15 दिन पहले, उनको भी इन्होंने अवगत करवा दिया गया। जी हाँ, बाकी डिटेल आप देखिए, अगर आप इन देशों में जा रहे हैं या आप वहाँ पे रहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, ये मत मान लो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अरे हमारे कुछ नहीं होता भाई, 1 घंटे बाद पता लगे कि गया ऊपर, कुछ भी हो सकता है। इस संसार में किसी का कोई पता नहीं लगता कि कौन कब आता है और कब जाता है, समझ गए बात को। तो ये जानकारी आप देखिए, स्क्रीन के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये एक सीरियस मुद्दा है। खबर का सारांश देख सकते हैं, मैं अपने मरे हुए पति का शव लेने के लिए आई हूँ। जी हाँ, एक पत्नी को अपने पति की अंत्येष्टि का भी हक नहीं है क्या? देखिए, अनुपम खेर ने भी इस फिल्म बनाई है इसके ऊपर, बता दूं, देखिए पूरा आप देख सकते हैं। 5 महीने पहले रूस में हुई उदयपुर के श्रमिक की मौत, शव के लिए पत्नी भारत सरकार पुतिन तक लगा तक चुकी है गुहार। आशा देवी ने राष्ट्रपति सचिवालय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई, सचिवालय ने विदेश मंत्रालय को कार्रवाई के निर्देश दिए, मानवाधिकार आयोग ने भी केस दर्ज कर भारतीय विदेश सचिव को नोटिस जारी किया, पर कुछ नहीं हुआ। देख लीजिए, ठीक है जी, आगे देख लीजिए, कोर्ट में मैटर भी चला गया, कोर्ट में बाकायदा मुकदमा कर दिया गया है, कोर्ट रूम, कोर्ट क्या बोलता है, आश्चर्य है, रूस जैसे विकसित तकनीकी वाले देश में भी एक डेड बॉडी की फॉरेंसिक जाँच नहीं हो पा रही है। पुरोहित, इसका महिला का पति हिंदेंद्र कमाने के लिए रूस गया था, वहाँ किसी हादसे में 17 जुलाई 2021 को उसकी मृत्यु हो गई थी, उसका शव भारत नहीं भेजा जा रहा है। महिला अपने पति का पैतृक स्थान पर विधिवत रूप से अंतिम संस्कार करना चाहती है। रस्तोगी जो हैं वो बोलते हैं, रूस सरकार ने अब तक हितेंद्र के शव की फॉरेंसिक जांच नहीं की है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जस्टिस एडवोकेट जो जज साहब है वो बोलते हैं, आश्चर्य है, रूस जैसे विकसित तकनीकी वाले देश में मृत्यु के 5 माह बाद भी एक डेड बॉडी की फॉरेंसिक जाँच नहीं हो पा रही है। भारत में रूस के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को नोटिस जारी कर रूस की सरकार से जवाब मांगा जाए, 20 दिसंबर तक उन्हें जवाब देने के लिए बोला गया है। अब नीचे सुन लीजिए जी, इस मामले में 7 दिसंबर को हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बेहद संवेदनशील मामला बताया था, साथ ही एक ग्रामीण आदिवासी महिला के अपने पति के शव के लिए इधर उधर भटकने पर कड़ी आपत्ति करते हुए भारत सरकार को हितेंद्र गार्सिया के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के निर्देश दिए थे। आप समझ सकते हैं भाई, ये स्थिति है, रूस में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो एक फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक उसकी नहीं है, ये 6 महीने हो गए। जी हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ में आपको बता दूं, देखिए इसमें क्या लिखा है, रूस में भारतीय दूतावास डीपी वेंकटेश वर्मा ने लिखित में जवाब पढ़कर कहा कि फॉरेंसिक जांच के बाद भी शव रूस में ही दफन होगा। ये देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, परिजन चाहें तो रूस में आ सकते हैं पर उन्हें शव भारत ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, परिजन नहीं आएंगे तो फॉरेंसिक जाँच के बाद शव रूसी अफसर दफन कर देंगे। अब ये सच्चाई है जी, आपको ये बातें समझ में इसलिए पढ़ाना जरूरी था कि मैं बोल के बताऊं और आप खुद पढ़ें, उसमें डिफरेंस होता है। अगर रूस में, इन देशों में कोई बंदा चला जाता है, मौत हो जाती है, बाकायदा ये बयान किनका है, इंडियन एम्बेसी में जो हमारे दूतावास हैं अधिकारी, उन्होंने बोला है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बावजूद भी डेड बॉडी इंडिया नहीं जाएगी, वहीं दफन होगा। अब बताओ, चाहे तो परिवार वाले रूस में आ सकते हैं, सरकार इतना कर सकती है कि इनको वीजा टिकट देके वहां भेज सकती है, वहां पे अंतिम संस्कार करें और आप इंडिया आ जाओ वापस, ये स्थिति है भाई। ये इसलिए बताना जरूरी है कि गल्फ देशों के अलावा किसी भी देश में आप जाते हैं, हर देशों के साथ में भारत के जो ये संधि होती है उसमें बहुत, इसमें इतने पेच होते हैं कि बंदा चाकर भी कुछ नहीं करता। आप इंडियन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, अब आप सोचिए क्या संभव है फिर ऐसा होना। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। हालांकि ये वीडियो उस चैनल पे आना चाहिए था, लेकिन ये इस पे बताना जरूरी है कि ये बड़ा चैनल है, ज्यादा तक लोगों तक ये बात पहुंचेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।